नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला विस्तार के चांदपुर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता एसबी गुप्ता की खास रिपोर्ट। जेपी नगर से केदारनाथ तक पदयात्रा पर 4 श्रद्धालु निकल पड़े हैं। 20 दिन बाद केदारनाथ पहुंचकर बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। कहते हैं आस्था और श्रद्धा अगर मन में आ जाए तो व्यक्ति रुक नहीं सकता। ऐसा ही एक उदाहरण जेपी नगर से केदारनाथ तक पैदल यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं का है। दरअसल जेपी नगर के हसनपुर निवासी अजय राणा, कपिल कुमार, विकास रायल, नरेश कुमार चारों श्रद्धालुओं ने बताया कि बाबा केदारनाथ धाम के ग्रीष्म काल के लिए कपाट खुल चुके हैं। हम चारों लोग अपने घर से बाबा केदारनाथ तक पैदल यात्रा पर निकले हैं। 20 मई को अपने घर से पैदल चले श्रद्धालु लगभग 20 दिन बाद केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। चारों श्रद्धालुओं ने बताया हम लोग पैदल मार्ग से बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। इस बीच हम रास्ते में किसी से सहयोग एवं मदद के नाम पर कोई भी धनराशि नहीं लेंगे। रात्रि विश्राम चांदपुर में करने के बाद श्रद्धालु गंतव्य के लिए रवाना हो गए। अमरोहा हसनपुर। आप लोग यात्रा पर निकले हुए हैं, जरा उसका उद्देश्य बताएंगे क्या है, कहाँ तक जाएंगे? तो हम यहाँ अमरोहा से जा रहे हैं, अमरोहा के हसनपुर से केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा, जिसकी कुल दूरी 400 किलोमीटर है। और ये यात्रा हमारी विदाउट मनी है, कोई हम पैसा लेके नहीं जा रहे घर से, विदाउट मनी जा रहे हैं। तो जैसा भी होगा आप लोग सपोर्ट करो हमें, धन्यवाद। जय श्री केदार। 9 तारीख को शुरू की यात्रा, ये हमने 20 तारीख को शुरू करी थी। और कब तक पहुँचेंगे वहाँ? समथिंग हमें 20-22 दिन लग जाएंगे पहुँचने में वहाँ पे। आपके साथ क्या क्या सामग्री है? हमारे पास हमारे कपड़े हैं, हमारा कैंपिंग टेंट और पावर बैंक और फोन वोन और ये कैमरा हमारे साथ, बस इतना ही है। इस समय आप कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं? अब हम चले थे धनोरा से, अब चांदपुर हमने पकड़ लिया, मतलब यहाँ से चांदपुर रुकेंगे, कहीं मंदिर से मंदिर मिलेगा तो वहीं पे ठहरेंगे। रात्रि विश्राम चांदपुर जी, तो मेरे फिर आगे की यात्रा, फिर सुबह आगे की यात्रा कर लेंगे। क्या क्या नाम है? मेरा नरेश रो है। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।